सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आलियाज ब्लॉग। सो गाइस, टुडे हमारा जो ब्लॉग है पार्ट टू, हम आए हैं जूता घर में। तो आज जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करूंगी जूता घर, जो कि 2024 में जो है थोड़ा सा अपडेट हुआ है। तो गाइस, अभी जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा आगे जूता घर भी दिखेगा और गार्डन के अंदर और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, मतलब यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन प्ले पार्क है और फैमिली के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। आप लोग यहाँ पर आके अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं, जो कि ग्रैंड रोड पे पड़ता है। और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे को डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और हाँ गाइज, इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो कर देना फॉर मोर अपडेट्स, एंड जो भी मैं डेली रील्स या वीडियोज़ डालती हूँ उससे आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा। तो गाइज, चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। और तो गाइज, अभी जो है हम लोग आ गए हमारा कमला नेहरू पार्क में, और ये जो है इसका मेन गेट है। और यहाँ से हम लोग जैसे ही अंदर जाएंगे, राइट लेने के बाद में जो है हमको दिखता है एक बहुत ही बड़ा सा जूता। तो चलिए गाइज, अब जो है हम लोग उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में भी ना बहुत अच्छा व्यू है, जो मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाऊँगी। तो चलिए अभी सबसे पहले हम लोग जूता घर देख लेते हैं। सो गाइज, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जूता घर है और इसके अंदर शायद ही हम लोग जाएंगे। पंद्रह नंबर का जूता है गाइज, ये देख सकते हो यहाँ पर। पहले तो ये वाला भी गेट था, लेकिन अभी ये बंद है, तो हम लोग जो है आगे के गेट से अभी इसके अंदर एंट्री करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा दिखता है ये अंदर से। क्या बोल रहे हैं गाइज, ये देख सकते हैं इसके अंदर की सीढ़ी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो हम लोग नहीं जा सकते, नहीं तो हाइट टकरा जाएगी। अच्छा, 12 साल के नीचे बच्चों का है। तो गाइज, आई होप कि आप लोग ने जूता घर जो है बहुत अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। तो अभी जो है हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसा ब्यूटीफुल सा व्यू, जो यहाँ से एकदम जस्ट सामने इसके अपोजिट में इतना मस्त लगता है ना गाइज, लिटरली ग्रैंड रोड में ना ये एक बीच है। इसका भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। और ये देखने के बाद में, ये देखो आप लोग ये बीच देख सकते हो इधर, ये देखने के बाद में जो है अब हम मूव ऑन होते हैं हमारे पार्क के लिए। तो थोड़ा बहुत खेलना कूदना तो बनता है ना गाइज, अभी वैसे भी कॉलेज लाइफ से इतनी तंग हो गई हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत तो खेलना चाहिए इंसान को, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा करके। तो अभी जो है मैं चली जाती हूँ हमारा किड्स प्लेइंग जोन की ओर पे। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी रखी हुई थी यहाँ पर, घड़ी वगैरह ये वो। तो चलिए गाइस, अभी हाँ एक और एक चीज़ मुझे याद आ रहा है, यहाँ पर मैं ना यहाँ से लेफ़्ट ले लेती हूँ पहले, क्योंकि ना यहाँ पे एक व्यू है, वहाँ से भी व्यू जो है बहुत अच्छा आता है। उसके बाद में मैं राइट लेने के बाद में फिर मैं वहाँ पे प्लेइंग पार्क पे जाऊँगी। फॉर मोर इन्फो ना आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके जो है ना चैप्टर्स देख सकते हो, ठीक है, चैप्टर्स के हिसाब से आप लोग मेरे वीडियोज़ को गो थ्रू भी कर सकते हो, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जिस चीज़ को आप लोग यहाँ पर देखने आए थे वो चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाए, तो मैंने आपकी सहायता के लिए मैंने चैप्टर्स जो है लगा चुके हैं। ये व्यू एंजॉय करने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पर पार्क में। तो चलिए चलते हैं अभी पार्क में खेलने के लिए। तो गाइज, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे 12 साल के बच्चों को ही सिर्फ अलाउड है, तो मैं 10 साल की हूँ तो मैं अंदर चली जाती हूँ। गाइज, ये बच्ची है देखो, इतनी बड़ी होके बच्चियों के साथ वो कर रही है। तो ये वाले स्लाइडर में आओगी? हाँ तो गाइज, मैं जो हूँ ना अभी आप लोगों को इस स्लाइड का अंदर का व्यू दिखाती हूँ, बहुत ऑसम था लिटरली से दिस। सो गाइज, ये
वाला जो पार्क आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो है ये सेकंड है, ठीक इसके सामने है ये वाला। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को दिख जाएंगे। मैं तो थक गई हूँ खेल के। So, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर जूता घर में एंजॉय करके? बहुत एंजॉय किया गया, बहुत। मेरे को ऐसे ऐसे पेड़ देखने को मिले ना आज, पेड़ और झूले मैंने देखे ही नहीं थे आज तक दुनिया में कभी। तो ये सब आपने किसकी वजह से देखा है? आप किसको क्रेडिट देना चाहोगे? जाता है आलियाज ब्लॉग को, और मैं कमेंट भी करूंगा, देखना आपको कितने अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे। थैंक यू, हम आपके कमेंट के आभारी रहेंगे। नहीं रहेंगे, देखने के बाद आभारी नहीं रहेंगे वो कमेंट। गाइस ये छोटे बच्चे लोग के लिए ये है, और ये पता नहीं क्या चीज है। गिरोगी तो ज्यादा व्यूज मिलेंगे, गिरने पे ज्यादा व्यूज मिलेंगे। पकड़ के बैठो, पकड़ के पैर बीच में मत फंसाना। गाइस इधर देख सकते हैं, इधर जो है शंख है। सो गाइस आज का ब्लॉग जो है बस यहीं तक था, और थैंक्स फॉर वॉचिंग यही बोलना है मुझे। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में लिए, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरी प्रीवियस वीडियो भी चेक कर लेना, आई बटन डिस्क्रिप्शन और एंड वीडियो में मिल जाएगी।